दोस्तों मैं आपको एक बताने जा रहा हूँ कि टैबलेट व्याग्रा क्या होता है, क्या यूज़ क्या है, इसका साइड इफेक्ट क्या है। तो व्याग्रा एक नई सेक्स टॉनिक तरह की दवा है जिसके अंदर सॉल्ट होता है सिल्डेनाफिल सिट्रेट। ये सिल्डेनाफिल सिट्रेट जब पेशेंट खाता है तो ये इसके पेनिस में जा करके उसका ब्लड फ्लो बढ़ाती है। तो जब भी कोई मरीज सेक्स से एक घंटे पहले खाता है तो इस टैबलेट खाने के बाद जैसे उस सेक्स के बारे में सोचता है तो उसका पेनिस ब्लड फ्लो बहुत तेज़ी से बढ़ता है और सस्टेन काफ़ी बढ़ता है। ये अगर इसका फ़ोटो दिखाएं आपका तो ये व्याग्रा टैबलेट होती है। ये ब्लू कलर की टैबलेट होती है, डायमंड शेप कलर की टैबलेट होती है, डायमंड शेप। ये 25 mg की, 50 mg की, 100 mg, 3 पावर में आती है। इस टैबलेट को सेक्स से एक घंटे पहले खाया जाता है। इस गोली खाने के बाद जैसे बॉय या मैन सेक्स के बारे में सोचता है, वेमेन को टच करता है तो पेनिस पूरी तरह से फुल टाइट होता है और सस्टेन टाइट रहता है। नॉर्मली क्या होता है कि जब आप सेक्स करने जाते हैं तो टाइट हो जाता है, बट अगर आप माइंड डाइवर्ट हो गया है, इधर खड़े हो जाओ इधर घूमो, तो ब्लड फ्लो कम हो सकता है। पर गोली खाने बाद पेनिस टाइट ही रहता है जिसकी वजह से पेशेंट का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है और सेक्स अच्छी तरह कर पाता है, वाइफ और गर्लफ्रेंड को अच्छी तरह सेटिस्फाई कर पाता है। इस गोली खाने के बाद इसका असर नॉर्मली आधे घंटे बाद शुरू होता है, एक घंटे में फुल इफेक्ट आने के बाद कुल 6 घंटे तक काम करता है। तो एक बार गोली खाने के बाद 6 घंटे में आप कई बार आप सेक्स कर सकते हैं। इस गोली के साथ सावधानी रखनी पड़ती है कि अगर हार्ट का मरीज कोई है जो कि नाइट्रेट नाम की गोली खा रहा है, जैसे कि सॉर्बिट्रेट, इसके बाद ये जीभ नीचे रखने गोलियाँ होती हैं और वो खा रहा, तो उनको नहीं खानी चाहिए। क्योंकि अगर कोई हार्ट का मरीज नाइट्रेट नाम गोली खा रहा है, ये भी खा लेगा तो उसका सडन बीपी गिर जाएगा। या किसी मरीज का हार्ट फेल हो रखा है, उनको ये दवा नहीं खानी चाहिए। या थर्ड, किसी को एक बीमारी होती है रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, मैंने आँखों से कम दिखाई दे रहा, उनको भी दवा नहीं खानी चाहिए। देखा साइड इफेक्ट क्या होता है, इस गोली खाने के बाद पेनिस का ब्लड फ्लो बढ़ता है, साथ साथ सिर के अंदर ब्लड फ्लो बढ़ता है और आँख की रेटिना में ब्लड फ्लो बढ़ता है। 3 जगह ये ब्लड फ्लो बढ़ाता है। तो पेनिस ब्लड फ्लो बढ़ेगा तो पेनिस टाइट होगा, अगर सिर में ब्लड फ्लो ज़्यादा बढ़ेगा तो सिर में दर्द होगा, आँखों में ब्लड फ्लो बढ़ेगा तो आँखों से नीला दिखाई लगेगा, आँखों से नीला दिखाई देगा। अगर पेट के अंदर ब्लड फ्लो बढ़ेगा आँखों का, तो आँखों में डायरिया, एसिडिटी होने लगता है। अगर नाक के अंदर ब्लड फ्लो बढ़ेगा तो जुकाम हो जाता है, नाक बंद हो जाता है, जुकाम होने लगता है। ये सारी कॉम्प्लिकेशन शॉर्ट टाइम के लिए होती है और 4 से 6 घंटे के अंदर ठीक हो जाती है। अगर आप वो गोली खाने के बाद सिर में दर्द हो रहा तो क्रोसिन 650 खा लीजिए, इससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, घबराइए मत। तो बट जान लीजिए कि अगर आपको सेक्स प्रॉब्लम है, आपको इरेक्शन प्रॉब्लम है, तो खाली व्याग्रा खाने से ठीक नहीं होगा, ये तो टेम्परेरी इलाज है। पहले अपना कारण खोजिए कि आपका इरेक्शन प्रॉब्लम या नपुंसकता या लिंग कड़ापन कम क्यों हो रहा। तो लिंग कड़ापन कमी या तो हार्मोन कमी से होता है, या पेनिस से ब्लड फ्लो कम होने से होता है, या साइकोलॉजिकल होता है, या आपका पेनिस के अंदर कोई ब्लीडिंग हो गया है जिसे बोलते हैं पेरोनियल डिसीज, या कोई ड्रग्स होते हैं लाइक अल्कोहल, स्मोकिंग, नशा, गांजा, भांग, या मेडिसिन होती लाइक बीटा ब्लॉकर, एंटी साइकोटिक ड्रग, या डिप्रेशन, साइकेट्रिक बीमारियाँ, एंजाइटी, साइकोसिस होती है, या कोई किडनी, लीवर, अदर बीमारियाँ हैं, तो पहले कारण खोजिए। तो अगर आप इरेक्शन प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं तो आप पहले कारण खोजिए, फिर आप पूरा एक बार डॉक्टर दिखा करके अपना पूरा टेस्ट कराइए, सारे सेक्स हार्मोन चेक कराइए, अपना टोटल टेस्टोस्टेरोन, फ्री टेस्टोस्टेरोन, LH, FSH, प्रोलैक्टिन, थायराइड टेस्ट, ब्लड शुगर, अदर बायोकेमिस्ट्री टेस्ट, पेनिस ब्लड फ्लो चेक कराइए, पोटेंसी टेस्ट करिए, पेनाइल नर्व टेस्ट करिए, भाई NCV टेस्ट, डिटेल सेक्स काउंसिलिंग कराइए। इन सबसे आपका रोग पकड़ में आएगा क्या वजह है। फिर प्रॉपर डायग्नोसिस के बाद ड्रग आती है जो पेनिस ब्लड फ्लो बढ़ाती है वो दी जाती है, कुछ ड्रग आती है जो बेसिक कारण पकड़ के हार्मोन ट्रीटमेंट दे के उसको ठीक जाती है, फिर कुछ सेक्स थेरेपी एक्सरसाइज दी जाती है। कोई भी दवा खाओगे, चाहे कारण कुछ भी रहा हो, आप चाहे हार्मोन गड़बड़ी कुछ भी गड़बड़ी हो, एक बार फेल हो जाओगे तो सेक्स कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। जब सेक्स कॉन्फिडेंस कम हो जाता है तो जब भी सेक्स करने जाते हो आप, मन फियर होता है कि पता नहीं मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। ये फियर आपके
अंदर कॉन्फिडेंस कम करके आपका इंजॉयमेंट घटा देता है, जिससे कि इंजॉयमेंट सिग्नल कम जाते हैं और डर होने से कि पता नहीं होगा नहीं होगा, ये फियर निकालता है स्ट्रेस केमिकल एड्रेनालिन जो ब्लड फ्लो कम करता है। तो जब भी आप फेल किसी वजह से, चाहे ब्लड फ्लो कम हो चाहे हार्मोन कमी हो, एक बार फेल होने के बाद सेकेंडरी फियर फैक्टर जुड़ जाता है। तो आपको प्राइमरी हार्मोन या ब्लड फ्लो ठीक करने के साथ साथ आपको साइकोलॉजिकली भी ठीक करना पड़ेगा बाय सेक्स थेरेपी। जब तक सेक्स थेरेपी एक्सरसाइज दो तीन नहीं करेंगे घर पर आप जाके, ये प्रॉब्लम परमानेंट ठीक नहीं होगा। कोई जहाँ दवा खाओगे आप टाइट होगा, जहाँ दवा छोड़ोगे मन फियर आएगा कि आज दवा नहीं खाई पता नहीं होगा कि नहीं होगा। आप इन्जॉय कम करोगे, डरोगे, फिर टाइट नहीं होगा। तो आप बेसिक प्रॉब्लम ठीक करने के साथ साथ कुछ सेक्स थेरेपी एक्सरसाइज करके आप 3-4 महीने में परमानेंट ठीक हो सकते हैं। तो अगर फिर भी कोई डाउट है हमें फ़ोन करिए, हमारा मोबाइल नंबर है 9899180390, ईमेल आई डी info@sexandhormonecenter.com, हमारे वेबसाइट है www.sexandhormonecenter.com, इस पर हमें आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।